अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है उसका नेम है चिकन शॉर्मा सैंडविच। चिकन शॉर्मा की रेसिपी मैं आप सबके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपने अभी तक नहीं देखी। तो आज हम कुछ डिफरेंट ट्राई करने लगे हैं जिसका नेम है चिकन शॉर्मा सैंडविच। बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है एंड बहुत ही ईजी एंड डिफरेंट स्टाइल में। तो आप सब ने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना एंड वीडियो को मस्ट एंड तक देखना है ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको इस रेसिपी की दो डिफरेंट स्टाइल बताऊंगी, जो आपको ईजी लगे आप उस स्टाइल से बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगी। यहाँ पे मसालों में हमने पहले ले लिया है, ये लिया है 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर एंड यहाँ पे ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑफ तंदूरी मसाला, ये आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ले लिया है 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर एंड यहाँ पे ले लिया है 1 टीस्पून ऑफ कुटा हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ सूखा धनिया पाउडर एंड यहाँ पे है 1 टीस्पून ऑफ नमक हसबे जायका एंड ये है मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं अपने। 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर एंड यहाँ पे ले लिया है 1 टीस्पून ऑफ जिंजर पाउडर, आप यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक पाउडर। तो यहाँ पे हमारे मसाले डन हैं एंड यहाँ पे ले लिया है 1 कप दही एंड यहाँ पे ले लिया है हमने बोनलेस चिकन, ये देखें। आपने जितना बनाना है आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इतना ये ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम ले लेंगे पहले एक बाउल, उसमें ऐड कर देंगे दही, देन अपने सारे मसाले ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अपना चिकन ऐड कर देंगे। देन चिकन ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 टीस्पून ऑफ विनेगर, वाइट विनेगर ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से मसाले जो हैं वो मिक्स हो गए। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर लेंगे। तो चलें मैरिनेट कर लेते हैं, उसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं बनाना। उसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे। हाई फ्लेम पे अच्छे से भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ ग्लास पानी। हाफ ग्लास पानी ऐड करने के बाद इसको हम 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अब ये दम पे जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे देखें इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कैप्सिकम जिसको हमने इस तरीके से काट लिया है एंड 1 स्मॉल अनियन ऐड कर देंगे। इसको हम 4 से 5 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाए। हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे।
लेते हैं। यहाँ पे ले लिया है बेकिंग ट्रे, आप कोई भी पैन शेप यूज़ कर सकते हैं, जो शेप आपके पास अवेलेबल हो। ये हमने चिकन रेडी किया है, ये वो ले लिया है। एंड यहाँ पे मैंने ले ली है टिक्का सॉस। अगर आपके पास टिक्का सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप बारबेक्यू सॉस खुद होममेड बना सकते हैं। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे ले ली है शवारमा ब्रेड, एंड ये है चिली सॉस, एंड ये है मोज़रेला चीज़। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप वो यूज़ कर लें। चेडर चीज़ से चले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बटर की ग्रीसिंग कर लेंगे, देन इसके अब हम ऐड कर देंगे शवारमा ब्रेड। शवारमा ब्रेड को लगाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी चिली सॉस। अच्छे से चिली सॉस की लेयरिंग कर देंगे। देन हम अपना चिकन ऐड कर देंगे, जो चिकन हमने प्रिपेयर किया। देन चिकन ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। चीज़ को अच्छे से ग्रेट कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे अपनी टिक्का सॉस। अगर आपको जो फेवरेट आपकी सॉस है आप वो यूज़ कर सकते हैं, बारबेक्यू सॉस, टिक्का सॉस। एंड अगर आप होममेड बारबेक्यू सॉस ट्राई करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो आप वहाँ से जाके बहुत ही आसानी से एंड होम इन्ग्रीडियंट से आप टिक्का अपनी बारबेक्यू सॉस जो है वो रेडी कर सकते हैं, और बहुत ही मज़े का फिर आपका सैंडविच बन जाएगा। देन अगेन से हम इस पर शवारमा ब्रेड ऐड कर देंगे, उसके बाद मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ ऐड करने के बाद टिक्का सॉस ऐड करेंगे, उसके बाद देन रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे एंड ओरिगैनो कर देंगे। यहाँ पे हमारा चिकन शवारमा सैंडविच जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी है, बस इसने कुक होना है। तो कुक ये होगा 15 मिनट्स तक, तो हमारा जो शवारमा सैंडविच है वो रेडी हो जाएगा। तो चले अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेते हैं। सैंडविच को कुक कर रही हूँ देचकी में। देचकी में नमक लेके स्टैंड रख दिया है, तो यहाँ पे हम इसको रख के 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। हमने जो चीज़ ऐड की है वो मेल्ट हो जाएगी एंड ये रेडिश सा कलर हो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा हमारा सैंडविच रेडी हो जाएगा। हम 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ले ली है एक कढ़ाई, उसमें हम अच्छे से बटर की ग्रीसिंग कर लेंगे। देन अब हम इसमें ऐड कर देंगे सम कोरिएंडर लीव्स, धनिया के लीव्स ऐड कर देंगे। ये लीव्स ऐड करने के बाद अब हम ना इस पर शवारमा ब्रेड ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से राउंड कर लेंगे। इससे ना जो सारे लीव्स हैं वो हमारी शवारमा ब्रेड पे लग जाएंगे और इससे बहुत ही प्यारी लुक आएगी और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। एक हम इस तरह से ट्राई करते हैं। एंड यहाँ पे एक कढ़ाई में इतने कुक कर रही हूँ कि मतलब कि जिनके पास बेकिंग ओवन नहीं है तो वो उसको आराम से इधर कुक भी कर सकते हैं, किसी देचकी में, किसी पतीली में आराम से। तो चलिए इसको भी हम 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे, जब तक हमारी चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती। यहाँ पे 15 मिनट्स जो है वो डन हो चुके हैं एंड आप ये देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी लुक आई है। चीज़ जो है वो फुली मेल्ट हो गई है, देखिए इसके कॉर्नर्स फुल चीज़ से भर गए एंड ये फुल रेडिश सी इसके ऊपर लुक आ गई है, बहुत ही यमी लग रहा है। एंड यहाँ पे सेकंड वन भी डन है, तो ये देखिए इसकी कितनी ग्रेस आ गई है ऐसे धनिए के लीव से, बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से और बहुत यमी। ये देखिए कितना रेडिश सा और चीज़ कितनी मेल्ट हो गई है और बहुत ही मज़े की लुक आ रही है। तो चलिए अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप सब रेडी हैं बहुत ही चीज़ी एंड बहुत ही मज़े का सैंडविच देखने के लिए। ये देखिए बहुत ही मज़े का बना है एंड बहुत ही ईजी रेसिपी है इसकी एंड मुझे पक्का यकीन है कि ये सबका बहुत ही फेवरेट होगा। तो आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये देखिए बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। आप सबका जब दिल करे ना कुछ खाने को मज़े का तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड सबसे मेन चीज़ के चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि ऐसी आसान आसान वीडियोस और मज़े मज़े की वीडियोस आप देख सकें मेरी। तो चलें इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बहुत ही ईजी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अमेजिंग एंड यमी वीडियोज़।